आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स एज नीट एस्पिरेंट जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक पहुंचे गए। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको थ्योरी के लिए एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। 2023 का जो पेपर था वो भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 360 नंबर ला सकते थे इस पेपर में। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप दो बुक सजेस्ट करता हूं, इनमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। फर्स्ट बुक है मास्टर एनसीईआरटी जो अरिहंत पब्लिकेशन की है, ये मेनली एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें काफी पीवाईक्यूज को भी कवर किया हुआ है। तो अगर आप ये लगा दें तो आपको पीवाईक्यूज लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पीवाईक्यूज खरीद लेना। इसके अलावा है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस जो कि सेल्सियस इंस्टीट्यूट के द्वारा कराई जाती है, इनका यूट्यूब चैनल भी है नीट काका जी करके, उनकी जो कोचिंग है उनके द्वारा ये बनाया गया है और ये मेनली भी एनसीईआरटी बेस्ड है और ये काफी अच्छी बुक है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी के लिए एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की देखें तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। इसके अलावा एक अच्छी बुक है नीट चैंपियन जो कि एमटीजी की आती है, अगर आप वो लगाते हैं तो आपको पीवाईक्यूज नहीं लगाने, उसमें मेनली पीवाईक्यूज ही है। उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है जिसमें एम्स के पीवाईक्यूज को इंक्लूड कर रखा है, जिससे आपकी अजर्शन रीजन वगैरह की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप नीट चैंपियन लगाए ताकि अजर्शन रीजन की प्रैक्टिस भी हो जाए और उसमें पीवाईक्यूज भी नीट के पिछले 10 से 15 साल के मिल जाएंगे, तो आपको वो लगानी चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से लगा लीजिए, इससे ज्यादा जरूरत आपको केमिस्ट्री में पड़ेगी नहीं मेनली क्वेश्चंस की। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस की जरूरत लग रही है तो किसी भी एक अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल लगा सकते हैं केमिस्ट्री का, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज लगा लेनी है। जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो आप ना लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है जो कि नीट में मेनली पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी आप अगर अपने कॉन्सेप्ट को काफी अच्छा करना चाहते हो तो आप उन क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू फिजिक्स में लगाना ही है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक है एररलेस बुक, अगर आप एररलेस लगाते हैं तो आपको पीवाईक्यू खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एररलेस के अंदर पीवाईक्यूज ही है। उसमें नीट जेई मेंस और कुछ कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन जो कभी कभी इजी आ जाते हैं वो आपके कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए वो भी है। अगर आप चाहें तो जेई एडवांस के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ज्यादा घबराइए नहीं, उसके सॉल्यूशन देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से नहीं होते। तो ये थी कुछ बुक्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए एज ए नीट एस्पिरेंट।